दोस्तों, जब भी भारत में अपराध का नाम आता है तो उसके टॉप 10 की लिस्ट में जो सबसे बड़े नाम आते हैं उनमें एक नाम ऐसा भी है जिसने एक समय में साउथ इंडिया के अपराध का बादशाहत हासिल कर ली, जिसके होने की कहानी ऐसी है कि उस समय पूरा देश ही लगभग उस एक इंसान के नाम से डरता था। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि वही चंदन तस्कर है, जिसकी बड़ी मूछों का जिक्र छिड़ते ही पॉसिबली ही आप बोल पड़े वीरप्पन। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कैसे कर्नाटक के जंगलों से निकला एक अपराधी पूरे देश का सबसे बड़ा डर बन गया था और किस तरह ऑपरेशन कोकून के जरिए इस डर को देश से हमेशा के लिए खत्म किया गया। कर्नाटक में जन्मे वीरप्पन का पूरा नाम कूज मुनि स्वामी वीरप्पन था। वीरप्पन चंदन की तस्करी के साथ साथ हाथी दांत की तस्करी, हाथियों के अवैध शिकार, पुलिस और वन अधिकारियों की हत्या और अपहरण जैसे कई मामलों का आरोपी भी था। कहा जाता है सरकार ने कुल 100 करोड़ रुपए उसे पकड़ने के लिए खर्च कर दिए। वीरप्पन की दहशत कई दशकों तक तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के जंगलों में रही। वीरप्पन के बारे में कहा जाता है कि वो माथे के बीचों बीच गोली मारकर हाथी को मार देता था और उसने 17 साल की उम्र में पहली बार हाथी का शिकार किया था। ये वाकया 1987 के आसपास का है, जब वीरप्पन को लोग जानते ही नहीं थे। उस वक्त तमिलनाडु के एक जंगल में पेट्रोल पुलिस हुआ करती थी, जिसके प्रमुख थे गोपाल कृष्णन उर्फ रैम्बो। 9 अप्रैल 1993 की सुबह कोलातपुर गांव में एक बैनर लगा था जिसमें रैम्बो के लिए वीरप्पन की तरफ से गालियां लिखी हुई थी। साथ में चुनौती भी दी गई थी कि अगर हिम्मत है तो आकर वीरप्पन को पकड़े। रैम्बो ने तय किया कि वो वीरप्पन को पकड़ने के लिए जाएंगे। रैम्बो और उनकी टीम जैसे ही वो पलार पुल पर पहुंची, उनकी जीप खराब हो गई। उन्होंने जीप को छोड़ा और पुल पर तैनात पुलिस से 2 बसें ली। पहली बस से रैम्बो 19 पुलिस वाले और 2 फॉरेस्ट गार्ड के साथ सवार हुए। पीछे आ रही दूसरी बस में अपने 6 साथियों के साथ तमिलनाडु पुलिस के इंस्पेक्टर अशोक कुमार चल रहे थे। वीरप्पन के गैंग ने तेजी से आती बसों की आवाज सुनी। जैसे ही बस एक नियत जगह पर पहुंची, वीरप्पन के गैंग के सदस्य ने बारूदी सुरंगों से जुड़ी हुई 12 वोल्ट बैटरी के तार जोड़ दिए, जिससे एक जबरदस्त धमाका हुआ। पूरी बस हवा में उछली और बस के साथ बस में सवार सभी लोगों के परखच्चे उड़ गए। ये वीरप्पन का पहला बड़ा हमला था, जिसके बाद पूरे भारत में वीरप्पन का नाम कुख्यात हो गया और वीरप्पन डर का दूसरा नाम बन गया। इसी तरह एक बार एक फॉरेस्ट ऑफिसर श्रीनिवास ने वीरप्पन को गिरफ्तार किया था, लेकिन उसने पुलिस वालों से कहा कि उसके सिर में तेज दर्द है, इसलिए उसे तेल दिया जाए जिसे वो अपने सिर में लगा सके। उसने वो तेल सिर में लगाने की बजाय अपने हाथों में लगाया। कुछ ही मिनटों में उसकी कलाइयां हथकड़ी से बाहर आ गई और वीरप्पन फरार हो गया, जिसके बाद वीरप्पन ने श्रीनिवास को मारने का प्लान बनाया। मामला कुछ यूं था कि श्रीनिवास वीरप्पन के छोटे भाई अर्जुनन से लगातार संपर्क में थे। एक दिन अर्जुनन ने श्रीनिवास से कहा कि वीरप्पन सरेंडर करना चाहता है, जिसके बाद श्रीनिवास कुछ लोगों के साथ जंगल में वीरप्पन से मिलने के लिए गए। इस दौरान श्रीनिवास के साथ जाने वाले सभी लोग धीरे धीरे एक एक करके उसका साथ छोड़ते चले गए। एक समय ऐसा आया जब वीरप्पन का भाई अर्जुनन ही उनके साथ रह गया। जब वो एक तालाब के पास पहुंचे तो एक झाड़ी से कुछ लोग दिखाई दिए। वो वीरप्पन और उसकी गैंग थी। श्रीनिवासन पहले ये समझे कि वीरप्पन सरेंडर करने वाला है। इससे पहले कि श्रीनिवास कुछ कहते, वीरप्पन ने फायर कर श्रीनिवास की हत्या कर दी। लेकिन इन सब घटनाओं में सबसे चर्चित और वीरप्पन को पूरे देश में मशहूर करने वाली घटना वो रही जब वीरप्पन ने कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप कर लिया, जो 100 से ज्यादा दिन तक वीरप्पन की गिरफ्त में रहे थे। वीरप्पन ने साल 2000 में कन्नड़ सुपरस्टार राजकुमार को उनके फार्म हाउस से ही अगवा कर लिया। इस घटना के बाद राज्य में तनाव की स्थिति भी पैदा हो गई थी। बेंगलुरु में लोग सड़कों पर निकल आए थे। राजकुमार का अपहरण करने के बाद वीरप्पन ने उनकी रिहाई के लिए 50 करोड़ रुपए और राज्य के सरहदी इलाकों के लिए वेलफेयर स्कीम की मांग की। फिर 108 दिन के बाद वीरप्पन ने अभिनेता राजकुमार को रिहा कर दिया था, लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं चला कि सरकार ने वीरप्पन की मांगें स्वीकारी या नहीं। राजकुमार अपहरण मामले में ये भी कहा जाता है कि वीरप्पन जो शर्त रखा था उसमें सुपरस्टार रजनीकांत से भी मिलने की शर्त थी, जिसके बाद रजनीकांत एक चार्टर्ड फ्लाइट से कर्नाटक में एक जगह पहुंचे जहां पुलिस की गाड़ियों के एक बहुत बड़े काफिले ने उनका स्वागत किया। वहां से रजनीकांत पत्रकार को लेकर बुलेट प्रूफ गाड़ी में वीरप्पन से मिलने के लिए रवाना हुए।
ऐसा माना जाता है सुपरस्टार रजनीकांत की वीरप्पन के साथ मुलाकात ने राजकुमार की रिहाई में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। अभिनेता राजकुमार अपहरण की घटना के बाद वीरप्पन सरकार के लिए बड़ी मुसीबत था। तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों ने मिलकर उस पर 5 करोड़ का इनाम रखा था। ऐसे में 2003 में जयललिता ने वीरप्पन को मारने के लिए विजय कुमार नाम के एक अफसर को एसटीएफ चीफ बनाया। ये वही विजय कुमार है जो 1993 में भी वीरप्पन को पकड़ने के एक अभियान में शामिल थे, हालांकि सफल नहीं रहे थे। एसटीएफ का प्रमुख बनते ही विजय कुमार ने वीरप्पन के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी। पता चला कि वीरप्पन की आंख में तकलीफ है। अपनी मूंछों में खिजाब लगाते समय उसकी कुछ बूंदें छिटक कर वीरप्पन की आंख में जा गिरी थी। वीरप्पन की उम्र अब 52 साल हो गई थी। इसके अलावा वीरप्पन को डायबिटीज भी थी और उसकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी, जिसके बाद पुलिस अधिकारी विजय कुमार ने कुकून नाम के एक ऑपरेशन को चलाया और अपने नए एसटीएफ के साथियों को वीरप्पन की गैंग में भर्ती करवा दिया, जिससे वीरप्पन के कामों की जानकारी विजय कुमार को मिल रही थी। आखिर वो वक्त आ गया जिसका इंतजार था। वीरप्पन ने आंखों का इलाज करवाने का फैसला लिया, जिसके लिए उसे जंगल से बाहर आना था। वीरप्पन के लिए खास एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया, जिस पर लिखा था एसकेएस हॉस्पिटल सेलम। उस एम्बुलेंस में एसटीएफ के 2 लोग इंस्पेक्टर वेल्लई दुरई और ड्राइवर सर्वन हॉस्पिटल के स्टाफ के भेष में मौजूद थे। वीरप्पन ने सफेद कपड़े पहन रखे थे और पहचाने जाने से बचने के लिए उसने अपनी मशहूर मूछों को काट दिया था। वीरप्पन और उसके 3 साथियों को लेकर एम्बुलेंस रवाना हुई। अपने पूर्व निर्धारित स्थान पर ड्राइवर सर्वन ने इतनी जोर से ब्रेक लगाया कि एम्बुलेंस में बैठे सभी लोग अपनी जगह पर गिर गए। इसके बाद ड्राइवर ने इतनी तेज ब्रेक लगाया कि टायर से हमें धुआं उठते हुए दिखाई दिया। सर्वन जो ड्राइवर था वो दौड़कर विजय के पास पहुंचा। विजय ने उसके मुंह से साफ साफ सुना वीरप्पन एम्बुलेंस के अंदर है। तभी उनके असिस्टेंट की आवाज फोन पर गूंजी, हथियार डाल दो, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। पहला फायर वीरप्पन की तरफ से आया, फिर पुलिस के चारों तरफ से गोलियां चलने लगी। ऑपरेशन को लीड कर रहे विजय ने भी AK-47 का पूरा बर्स्ट एम्बुलेंस पर फायर कर दिया। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस से जवाबी फायर आने बंद हो गए। कहा जाता है कि कुल 338 राउंड गोलियां चलाई गई थी। एकदम से सब कुछ धुआं सा हो गया। वहीं एक जोर की आवाज आई, ऑल क्लियर। एनकाउंटर 10:50 पर शुरू हुआ। 20 मिनटों के अंदर वीरप्पन और उनके 3 साथी मारे जा चुके थे। 10 महीने से चल रहा ऑपरेशन सिर्फ 20 मिनट में खत्म हो गया। जंगल और उसके आसपास के स्थानीय इलाकों में वीरप्पन की इमेज रॉबिनहुड जैसी थी। शायद यही कारण था कि पोस्टमार्टम के बाद उसकी लाश जब हॉस्पिटल के बाहर रखी गई तो वीरप्पन को देखने के लिए हजारों की भीड़ लगी हुई थी। अपनी जान पर खेलकर वीरप्पन के गैंग में शामिल हुए वो पुलिस वाले बहुत दिलेर थे, इसीलिए उनकी उस बहादुरी के सम्मान में जयललिता ने इस ऑपरेशन में शामिल हर जवान को 3-3 लाख रुपए दिए और सभी को प्रमोशन भी मिला। इसके साथ ही सभी को उनके अपने शहर में सरकार की तरफ से एक एक घर भी मिला। हालांकि वीरप्पन की संपत्ति का कोई पता नहीं चला और इस तरह वीरप्पन की कहानी खत्म हो गई। तो दोस्तों, ये थी वीरप्पन की कहानी। आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में आप बता सकते हो। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।